आज के इस कोल्ड मौसम में एक हॉट टॉपिक के साथ में आप सभी का स्वागत है टेकी तने के इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप सब लोगों ने अभी वेब 3.0 या वेब 3 टेक्नोलॉजी या फिर ब्लॉकचेन, क्रिप्टो मार्केटिंग, ऐसी कई चीज़ें आपने सुनी है, आपके कानों में ये सारी चीज़ें पड़ रही है, लेकिन आप लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये चीज़ क्या होती है। आपने गूगल खोल के देखा है, जो खुद वेब 2.0 पे रन करता है, आपको क्या है ये सारी चीज़ें आज मैं बताऊंगा। आपको गूगल पे एक पेज पे सारी जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिलेगी, बिकॉज वेब 3.0 या फिर वेब 3 की पर्टिकुलर कोई भी डेफिनेशन आज तक नहीं आई है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजीज है, इंडियंस क्या करते हैं, दे आर परफेक्टली अडेप्टिव टू दोज टेक्नोलॉजीज, यानी कि हम उसको फॉलो जरूर करते हैं, लेकिन बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने एक चीज़ में हम घुस जाते हैं और हमको पता भी नहीं है क्रिप्टो करेंसी क्या है, कहाँ से आई है, किसने बनाई है, कैसे बनती है, लेकिन फिर भी हम उसमें एक इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इंडियंस का यह है कि वो टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो हमारी जीन्स में है। हजारों लाखों साल पहले जो शास्त्र लिखे जा चुके हैं उनमें इन सब का डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी है। साइंस उसी के पीछे जा रही है, वही चीज़ें प्रूव कर रही है। हनुमान चालीसा में जो हमारे लाइट ईयर्स जो अब कैलकुलेट होकर आए हैं, सन की जो डिस्टेंस है वो हमने कब से कैलकुलेट कर लिया था, बट एक साइंटिफिक प्रूफ है, एक पीछे आपको स्टैंड चाहिए। उन्होंने जैसे भी निकाला है, उनकी टेक्नोलॉजी आज हमारे पास में नहीं है, तो हम अपनी नई टेक्नोलॉजी बनाकर वो सारी चीज़ें फिर से अचीव करना चाहते हैं। किसी साइंटिस्ट के दिमाग में आया होगा कि मेटावर्स क्या होता है, जो हमारे हम स्वर्ग, नर्क, पाताल, ये सब जोड़ के जो टेक्नोलॉजी रखती है, दैट इज़ कॉल्ड मेटावर्स अकॉर्डिंग टू मी। यानी कि हाँ, आपको थोड़ा इलॉजिकल लगेगा कि मैं सारा इसी में हिंदुत्व घुसा के बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपके भी जो भी आपके रेस्पेक्टिव ग्रंथ हैं, आपने भी पढ़े होंगे, मैं हिंदू हूं तो मैंने अपने हिंदू के ग्रंथ पढ़े हैं, तो मैं स्वर्ग वगैरह की बात कर रहा हूं। आप उसको, आप अपने बाइबल के हिसाब से उसको हेवन भी बोल सकते हैं, हेल भी बोल सकते हैं, जहां से सब कुछ एक सुपर पावर आप जिसे कहते हैं, वो मेटावर्स के थ्रू ही, मतलब मेरा कंसेप्ट ये कहता है। अब आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वेब 3 या फिर वेब 3.0 टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये क्या है, इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और ये एग्जैक्टली ब्लॉकचेन क्या होती है। ब्लॉकचेन बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि एग्जैक्टली ब्लॉकचेन को डिफाइन कैसे किया जाए, आज हम करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी पढ़ी लिखी और एडवांस्ड टेक्निकल जनता को नमस्कार कहता हूँ। मैं हूँ तनेराज सिंह चौहान और आप मुझे देख रहे हैं टेकी तने के इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई अपडेट्स, कोई भी मोबाइल और पीसी की टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत सारी ढेर सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो कि मुझे लगता है इंडिया की ऑडियंस इसमें इन्वेस्ट कर रही है, तो उनको पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो किस चीज़ से अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, वो किस सिद्धांत पे वर्क करती है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका एंड रिजल्ट क्या हो सकता है, क्या क्या रिस्क है, क्या क्या उसकी खूबियाँ हैं, खामियाँ हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो ज़रा सा लंबा हो जाता है, तो क्षमा चाहते हैं, दुविधा के लिए खेद है, लेकिन जो सुविधा, जो जो जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी, दैट विल बी पैसा वसूल, ठीक है। तो हम वन बाय वन बात करेंगे वेब 3.0 क्या होता है, वो कहाँ से निकल के आया है। सेकंड हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कि वो क्या होती है, और आगे की फर्दर वीडियोस में हम मेटावर्स और एलॉन मस्क के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं, मीम कॉइन्स हैं, उनके बारे में धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। मेरे से जितना भी हो सकेगा मैं आपको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप ऑन टू द वेब 3.0 टेक्नोलॉजी। तो वेब 3.0 नाम पढ़ते ही आपके दिमाग में फर्स्ट जो चीज़ आनी चाहिए या फिर आई होगी, वो ये होगी कि इससे पहले भी दो वर्जन्स निकाल चुका है वेब 1.0, 2.0। कोई भी मोबाइल चलता है, कोई भी सॉफ्टवेयर चलता है, उसका नया वर्जन आता है, तो उसका शाओमी का जैसा चल रहा है तो 12 MI 12 आ गया, एंड्रॉयड भी चलता है तो 1, 2, 3, 4 उसी में चलता है, फ़ोन्स की सीरीज़ भी चलती है तो उसी में चलती है। तो ये जो वेब 3.0 है, ये वर्जन है, ये सीरीज़ है, थर्ड पार्ट है उसका, इससे पहले दो पार्ट आ चुके हैं, जो कि वेब
1.0 था 1991 से लेके 2004 तक, एंड वेब 2.0 जो था वर्जन था, जो सेकंड वर्जन था उसका अपग्रेडेड वर्जन, वो था 2004 से लेके टिल डेट वी आर यूजिंग द सेम वेब 2.0 टेक्नोलॉजी। अब इसमें चेंज करने की ज़रूरत लोगों को महसूस हो रही है, टाइम बचाने के लिए, स्मार्ट प्रेफरेंसेस के लिए, किस लिए हो रही है वो हम लेटर बात करेंगे। लेकिन डिफरेंस क्या है इन तीनों में, क्या अपग्रेड किया गया था वेब 1.0 से वेब 2.0 में, क्या नई चीज़ें आई थी और हम क्या नई चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं वेब 3.0 में। तो यही चीज़ है कि वेब जो सबसे पुराना वेब 1.0 था, जो फर्स्ट वर्जन ऑफ वेब था, उसमें यह था कि सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास में है, जो क्रिएटर है उसने एक इंफॉर्मेशन एक सर्वर पर डाल दी और वहां से आप स्टैक होता जाता है। ये एक लाइब्रेरी की तरह काम आता था। जो वेब 1.0 था वो एक इंफॉर्मेशन की लाइब्रेरी की तरह काम आता था, जहां पे आप अपनी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, उसके ऊपर कोई और डाल देगा, उसके ऊपर कोई और डाल देगा, तो इट्स लाइक ए बुक एंड चैप्टर्स बीइंग क्रिएटेड। तो यहां पे लोग सिर्फ पढ़ सकते थे, लोग सिर्फ नॉलेज ले सकते थे, इंटरैक्टिव नहीं था ये चीज़, ये चीज़ बिल्कुल भी इंटरैक्टिव नहीं थी। आप उससे बात नहीं कर सकते थे, जो जिसने वो कंटेंट लिखा है आप उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं ले सकते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्निकल एडवांसमेंट्स हुए, लोगों को उसकी ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं, हमें इस विचारधारा वाले आदमी से बात भी करनी है। तो उस दौरान, उस टाइम निकल के आया एक सॉल्यूशन जो कि था वेब 2.0। Now, what is Web 2.0? Web 2.0 provides you with some interactive tools. ये जो Facebook है, ये जो Google का सर्च इंजन है, ये जो ट्वीट्स आप करते रहते हैं, जिनके नए नए CEOs बनते रहते हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज होती रहती है, these all controversies are, ये सब किसकी देन है? ये सब वेब 2.0 की देन है। आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, आप अपने क्रश के साथ में फ्लर्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने गुरुजनों का सम्मान कर सकते हैं। आप इसको किस तरीके से यूज़ लेते हैं, किस तरीके से इसको आप ट्रिब्यूट देने के लिए यूज़ लेते हैं, या फिर एक मास कम्युनिकेशन करके एक दंगे फसाद को जन्म देने के लिए यूज़ करते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से यूज़ लेते हैं। तो वेब 2.0 के भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स दोनों थे, ठीक है। तो उनका काम था इंटरैक्टिव बनाना, इसको रेगुलेट करने का काम है सरकार का, गवर्नमेंट का, जो टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर रहे हैं उनका दायित्व बनता है कि उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए। रेगुलेशन वर्ड इज अ मस्ट इन एनी टेक्निकल एडवांसमेंट, क्योंकि जो साइंटिस्ट है वो आपको रेगुलेट नहीं करेंगे, वो आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाएंगे और आपको उसको किस तरीके से सस्टेनेबली यूज लेना है उस चीज़ को, वो चीज़ गवर्नमेंट को या फिर सेंसिबल पीपल ग्रुप का, जो होता है सेंसिबल पीपल का ग्रुप, उसको उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सरल भाषा में वो आपको प्रोडक्ट देंगे, उसको किस तरीके से मार्केट करना है, उसको किस तरीके से सेल करना है, या फिर उसको किस तरीके से रेगुलेट करना है, वो एक गवर्निंग अथॉरिटी उसके लिए होनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाट वाज नीडेड इन वेब 2.0 आल्सो, एंड वेब 3.0 में भी यही चीज़ आपको सामना करना पड़ेगा कि ये जो अनसोशल अनएथिकल एलिमेंट्स हैं उनको किस तरीके से रोका जाए, ये सारी चीज़ें रोकने की भी ज़रूरत होती है। और कहीं कहीं पे आप बिल्कुल बैन, ब्लैंकेट बैन इज नॉट एट ऑल अ सॉल्यूशन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो वेब 2.0 जब से आया है तो क्या क्या चेंजेस आया आपकी लाइफ में? सबसे पहला तो कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप किसी सर्वर पे साइन अप करते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल्स उस पे डालते हैं, आपको लगता है ये मेरी पर्सनल डिटेल से क्या ही कुछ कर लेंगे, मेरी आईपी ले लेंगे क्या कर लेंगे, मेरा मोबाइल नंबर ले लेंगे किसको दे देंगे, मेरे जो जान पहचान वाले हैं वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, फेसबुक किसी थर्ड पर्सन को अगर मेरे नंबर दे देता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे पास में लाखों करोड़ों कॉल्स तो नहीं आ जाएंगे एक दिन में, और आ भी नहीं रहे। लेकिन इससे कॉल्स वगैरह की डिटेल्स से कोई लेना देना नहीं है, ये एक डीप मैटर है जहाँ पे आपको सोचना होता है आपका जो डेटा है, जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, आपका डेटा किस तरीके से निकालना है, किस तरीके से एक टारगेट ऑडियंस बनानी है और उस पर अपने एडवर्टाइजमेंट्स किस तरीके से चलाने हैं। तो जो एडसेंस, जो एड्स की जो टेक्नोलॉजी है वो वेब 2.0 की देन है।
अब आप इसे अच्छा माने या बुरा, लेकिन ये वेब 2.0 की देन है। कुछ केसेस में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप परेशान हो रहे हैं, आपके घर में जैसे कोई फंक्शन है तो आपको ढेर सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, होम डेकोर करवाना है, जो भी आपको सजावट का सामान करवाना है, दूसरा आपको हलवाई करना है यानी कि फूड केटरिंग सर्विसेज वगैरह जो भी करना है वो करना है, तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि आपके जो फादर साहब हैं, जो आपके पापा जी हैं, वो देखेंगे केटरर्स का, टेंट हाउसेस का या फिर इवेंट मैनेजमेंट वगैरह का, अगर मतलब जो भी आपकी जो सामाजिक स्थिति है उसको देखते हुए वो जो भी सर्च करते हैं तो वो आईपी का एड्रेस गूगल या फिर फेसबुक के पास में चला जाता है। अब जब वहाँ पर चला गया वो एड्रेस, उसके बाद में वो गूगल फेसबुक अपने जो भी क्लाइंट्स वगैरह हैं उनको जो पैसे दे के उनसे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उनको बता देंगे कि ये जो फला फला इंसान है उसने ये चीज़ सर्च करी है, उस आईपी पे आप फोकस करें, उस घर पे आप फोकस करें और अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे स्पेसिफिक एरिया में सेल करें। इससे गूगल को फ़ायदा तो हो ही रहा है, लेकिन जो ब्रांड्स हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है कि वो अपने एडवर्टीजमेंट्स गूगल के थ्रू आपको दिखा रहे हैं। अब ऐसा कई बार होता होगा कि आपने यूट्यूब खोला या फेसबुक खोला या फिर यूं ही गूगल क्रोम से नोटिफिकेशन आ जाते हैं आपको, आपको लगता है दैट्स टोटली रैंडम, आपने कभी भी खाना बनाने की चीज़ें रेसिपीज सर्च नहीं करी, लेकिन दूसरे कमरे में बैठे आपके माता जी मॉम ने जो भी सर्च किया है, जैसे उन्होंने समोसे बनाने की रेसिपी सर्च की है तो उनको वीडियो तो दिखा दी, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है ना कि ह्यूमन मेंटालिटी होती है कि जब मेजॉरिटी की तरफ जाना होता है उनको, तो तब तक मेजॉरिटी नहीं बनेगी जब तक आपके दिमाग में समोसा आया भी नहीं, आपकी मम्मी ने रेसिपी देख भी ली। लेकिन अब गूगल क्या काम करेगा, गूगल ने यूट्यूब के थ्रू आपको आपकी फीड में समोसे की रेसिपी दिखा दी। अब समोसा ऐसी चीज़ है कि भाई जी ललचाए रहा ना जाए, मुंह में जैसे ही देखा पानी आ जाता, तो क्या होगा, आप कहेंगे कि मम्मी आज मेरे को समोसे का कुछ ऐड दिखा था या फिर रेसिपी दिखी थी, पता नहीं कहाँ से आया, भगवान का इशारा हुआ है और आज आप बना दीजिए, निर्मल बाबा की दया से कृपा दृष्टि वहाँ से रुक रही है, हमें समोसा खाना चाहिए, लेट्स मेक ए समोसा। तो फ़ायदा किसका हुआ, वीडियो जिसने बनाया गूगल, और जिसके मतलब आपके घर में भी जब समोसा बन जाएगा तो फ़ायदा, आपके पेट का भी सवाल है तो आपका जीभ का सवाल है, सबका फ़ायदा हुआ इसमें, ठीक है। बट ये जो डेटा लीक वाली प्रॉब्लम है, जो फेसबुक सर्वर्स से लीक हुए हैं, जो हैकिंग्स होती है, जो गूगल सर्वर्स आपके डेटा, पर्सनल डेटा को, काफ़ी पर्सनल डेटा, कई बार आप आपके इंटीमेट मोमेंट्स वगैरह जो आप करना चाहते हैं वो पब्लिकली ओपन हो जाते हैं, दैट इज़ समवट अ ड्रॉबैक मैं मानता हूँ, लेकिन अदर देन दैट ये टेक्नोलॉजी काफ़ी काम भी आने वाली चीज़ है। तो आपका आपके डेटा पे आपने डाल दिया, आपका ट्वीट कोई भी डिलीट कर सकता है, ट्विटर वाले आपका ट्वीट डिलीट कर सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, हम ऐसे कहते हैं सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। अब सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड आपको दो चीज़ें अभी काफ़ी सुनने में आई होगी अगर आप क्रिप्टो करेंसी की न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी किस पे काम करती है, ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन क्या होती है, ब्लॉक्स की चेन, ठीक है। तो अब लोग कहते हैं कि दिस इज वेरी मतलब ईजी टू क्रैक, नहीं, एक ब्लॉकचेन में तीन एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट इज डेटा, सेकंड इज नॉन्स एंड थर्ड वन इज हैश। तो जो डेटा है आप उसको फीड करते हैं, एक आपको ब्लॉक अलोकेट होता है, ब्लॉक के अंदर नॉन्स होता है, उसका एड्रेस होता है 32 बिट का, यानी कि 32 कैरेक्टर्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे तब कहीं जाके आपका वो एक नॉन्स है वो क्रिएट होगा, उसके बाद में 256 कैरेक्टर्स जब आप सॉल्व करेंगे, ये एक माइनिंग का तरीका होता है, जब आप ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम की तरह होता है, जब आप इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे तब कहीं जाके आपका एक हैश तैयार होगा। अब जो नॉन्स एंड हैशेस वगैरह मिलके एक यूनिट बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉक, और ऐसे कई सारे ब्लॉक्स जब मिल जाते हैं तो दैट बिकम्स अ चेन एंड दैट इज़ वॉट अ यूजेबल फॉर्म। अब एक ब्लॉक यहाँ पे मिला वर्ल्ड में, एक ब्लॉक किसी ने यहाँ पे डिस्कस किया,
डिस्कवर किया। उसके बाद में एक नोड होता है जिसके थ्रू ये दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे से मिलते हैं। एनिमेशन में हमारी टीम अभी जरा वीक है बिकॉज आई एम द टीम, आई एम नॉट अफोर्डिंग एनीथिंग, वरना इसको और भी एनिमेटेड तरीके से और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता था। बट ब्लॉक्स नोड्स के द्वारा कनेक्ट होके एक चेन बनाते हैं और उसके बाद में वो चीज़ यूजेबल फॉर्मेट में आती है जिसमें कि आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, करेंसीज को स्टोर कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ ब्लॉकचेन। इट कैन नॉट बी डिलीटेड बाय एनीवन, ठीक है। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर बट इट कैन नॉट बी डिलीटेड बाय एनीवन इफ इट इज नॉट सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब होता है एक सेंट्रल जो एजेंसी है, एक सेंट्रल जो पावर है, एक कंपनी है, बिग कंपनी है लाइक फेसबुक गूगल, वो आपका सारा डेटा रख सकते हैं, हटा सकते हैं, दिखा सकते हैं, जो भी उनका जी करे वो आपके डेटा के साथ में कर सकते हैं। लेकिन जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगी तो आप अपने डेटा के मालिक होंगे, आप अपनी कोई भी वीडियो YouTube पे डाल सकते हैं। मतलब YouTube इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड नहीं है, यहाँ पे कोई भी ब्लॉकचेन नहीं बन रही है, यहाँ पे आप सिंपली अपलोड करते हैं, YouTube उसको अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकता है, कभी भी हटा सकता है, दैट्स देयर पॉलिसी, दैट्स ऑल्सो अ रेगुलेशन थिंग। बट वहाँ से उनको प्रॉफिट हो रहा है, डेटा आपका अगर गलत नहीं है तो आपको डरने की क्या बात है। अगर आप ब्लॉकचेन के थ्रू आपका डेटा डालते हैं और आपका डेटा बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं है, सो यू नीड नॉट फियर, वरना एक गवर्निंग एजेंसी आपको एयरलिफ्ट करके ले जाएगी, कहीं पे भी जेल में डाल सकती है। अब बात आती है वेब 3.0 की। वेब 3.0 क्या है? एक ब्लॉकचेन पे काम करने वाला इंटरनेट वाला सिस्टम ही वेब 3.0 कहलाता है। ये किस तरीके से काम करता है? बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, उनको नोड्स के द्वारा एक चेन में कन्वर्ट किया जाता है और वो चेन एक डेटा की चेन हो सकती है, यूजेबल फॉर्मेट हो सकता है, आप उसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, उसको कोई भी देख सकता है। जैसे कि बिटकॉइन है, बिटकॉइन इज़ ए वेब 3.3 की एप्लीकेशन ही है, वेब 3.0 की एप्लीकेशन इज़ बिटकॉइन इज़ एन एग्जाम्पल। इथीरियम जो है दैट्स ऑल्सो एन एग्जाम्पल। ब्लॉकचेन है, यूज़ केसेस है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बात करने को है, लेकिन वीडियो 20 मिनट के आसपास का हो चुका है और अभी तक आप काफ़ी चीज़ें समझ चुके हैं, लेकिन जो पूरा आपको पिक्चर समझनी है उसके लिए आपको देखना होगा कि किस तरीके से आगे आगे हम चैनल पे किस तरीके से वीडियोस अपलोड करते हैं, अपडेट करेंगे आपको। एवरी सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड विथ यू, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल। और वेब 3.0 में यही है कि आपका डेटा सबके सामने शेयर तो होता है, सब देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ वो डेटा ट्रांसफ़र हुआ है, क्या उसमें पैकेट्स में कितना डेटा था, कितना उसमें कंटेंट था, लेकिन उस चीज़ पे सिर्फ आपका कंट्रोल है। अगर गूगल को वो डेटा चाहिए आपसे, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो दे विल आस्क फॉर इट्स परमिशन। परमिशन आप देने वाले होंगे, ना कि गूगल आपकी डेटा को किसी भी दूसरी एजेंसी के साथ में शेयर कर पाएगा। आफ्टर दिस एप्लीकेशन कम्स इंटू इफेक्ट, दिस वेब 3.0 एप्लीकेशन कम्स इंटू इफेक्ट, तो आप अपने डेटा के मालिक होंगे, आप अपने यूनिवर्स के मालिक होंगे। और जो मेटावर्स वगैरह है वो क्या चीज़ें हैं, एलन मस्क की क्या टेक्नोलॉजी, उसने ऐसा क्या देखा क्रिप्टो करेंसी में जो उसने उन्होंने अपना पूरा इन्वेस्टमेंट उसमें डाल दिया, वर्ल्ड के सबसे बड़े लगभग एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं वो, और उसके बावजूद इस टेक्नोलॉजी पे वो फोकस कर रहे हैं, और वही नहीं इसके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े नाम भी इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है, जो कि मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए कि वॉट इज़ वेब 3.0, वॉट इज़ ब्लॉकचेन, और ये क्रिप्टो करेंसी भी ब्लॉकचेन पे ही काम करता है, तो वो भी आपको कुछ कुछ एक ओवरव्यू मिल गया होगा। अब करेंसीज़ का तौर पे उसको किस तरीके से यूज़ लेते हैं, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, इंडियन गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करने के लिए क्या क्या बिल्स लाने वाली है, उसके बारे में हम डिटेल में और बात करेंगे अपने आने वाली वीडियोज़ में। सो विद दिस आई थिंक आज का कोटा पूरा हो चुका है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ बेटर टॉपिक। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड दिस इज तनेरा सिंह चौहान साइनिंग ऑफ।